Good morning, dear student. Myself, Purvi Goyani, and I am your English teacher. In our last session, we already discussed about our English grammar, lesson number 5, verbs. हमने कुछ discuss किया था कि verbs क्या होते हैं, right? तो इस बार हम सीखने वाले हैं कि verbs में ing कब use होता है, right? आपने सीखा होगा कि ing नाम का कुछ होता है जो किसी spelling के पीछे लगता है, जिससे उस spellings का मतलब clear हो जाता है, right? तो हम ing कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ ing वर्ड्स टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एज वी स्पीक. इसका मतलब होता है जब भी हम ing वर्ड यूज़ करते हैं तो वो जो वर्ड है वो अभी इस तरह इस टाइम पर वो चल रहा है, वो हमें ऐसा साबित करना चाहता है. जैसे कि अभी आप खा रहे हो तो उसको आप कैसे बोलोगे? सिर्फ ईट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि ईटिंग, राइट? जैसे कि सोना तो स्लीपिंग, फिर रन करना तो रनिंग, वैसे ही होता है, राइट? आलिया इज राइडिंग अ बाइसिकल, मतलब अभी फिलहाल जो आलिया नाम की लड़की है वो क्या कर रही है? राइडिंग अ बाइसिकल, मतलब वो इस टाइम पर बाइसिकल चला रही है. मीरा इज फ्लाइंग अ काइट, मतलब मीरा नाम की जो लड़की है वो अभी इस टाइम पर क्या कर रही है? काइट को फ्लाई कर रही है, राइट? हियर आर सम एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, लेट्स डू इट. एड आई एन जी टू दिस वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उसको उसके पीछे हमें आई एन जी लगाना है, ओके? तो फर्स्ट वन इज कैच, तो कैच का क्या हो जाएगा? कैचिंग. पिक, पिकिंग. सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि एफ एल वाई फ्लाई, तो एफ एल वाई फ्लाई लिखना है लेकिन इसके पीछे आएगा आई एन जी, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? फ्लाइंग, राइट? देन फोर्थ इज लाफ, तो लाफ का क्या हो जाएगा? L A U G H I N G, laughing. E A T, it, तो it का हो जाएगा E A T I N G, eating. Say, S A Y I N G, saying, right? सबके पीछे हमने I N G लगा दिए तो अभी उसके जो मीनिंग्स थे वो क्लियर हो चुके हैं. यहाँ पर कुछ है जो बहुत ही ज़रूरी है, वी ड्रॉप द E एंड एड I N G. यहाँ पर आपको कहा है कि कहीं किसी जगह पर हम ई निकाल देते हैं और आई एन जी यूज़ करते हैं. टू मोस्ट डूइंग वर्ड्स दैट एंड विथ ई, लेकिन कब? सभी स्पेलिंग्स में हम ई नहीं, ई सभी स्पेलिंग्स के बीच में से हम नहीं निकालते, लेकिन जिस स्पेलिंग का एंड ई से होता है उसी टाइम पर हम सिर्फ आई एन जी लगाते हैं और ई को रिमूव कर देते हैं, राइट? जैसे कि एम ए के ई मैक, राइट? तो ई हमने यहाँ पर जो है वो निकाल दिया, तो अभी उसकी जगह पर क्या बन गया? एम ए के, यहाँ तक के तक ले लिया लेकिन ई निकाल दिया और हमने लगा दिया आई एन जी, तो मैक का बन गया मैकिंग. सेम थिंग वेव, डब्ल्यू ए वी ई वेव, तो ई हमने ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया एंड डब्ल्यू ए वी आई एन जी, क्योंकि जो ई और आई वो दोनों एक साथ हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमने ई को ड्रॉप कर दिया और आई को ऐड कर दिया, राइट? तो यहाँ पर सेम वैसी ही एक्सरसाइज है, ड्रॉप द ई एंड एड आई एन जी टू दिस वर्ड्स, ओके? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. बी ए के ई बैक, तो बी ए के आई एन जी बैकिंग. टी ए के ई टेक, टी ए के आई एन जी टेकिंग, सिर्फ हमें ये जो लास्ट में ई है उसको ही हटाना है. जी आई वी ई गिव, तो जी आई वी आई एन जी गिविंग. W A K E wake, W A K I N G waking. L I K E like, L I K I N G liking. H I D E hide, तो H I D I N G hiding. Okay, I thought you understand. Now we double the last letter in the say some doing words. Then we add ing. इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी प्लेस आते हैं जहाँ पर हम जो लास्ट लेटर होता है उसको हम दो बार रिपीट करते हैं, जैसे कि क्लैप, राइट? सी एल ए पी, क्लैप, तो उसका क्या हो जाएगा? क्लैपिंग. लेकिन क्लैप के डायरेक्ट पीछे हम आई एन जी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम टू टाइम्स पी यूज़ करेंगे. कुछ कुछ स्पेलिंग्स ही ऐसे होते हैं, सभी स्पेलिंग्स ऐसे नहीं होते. जैसे कि स्विम, तो स्विमिंग का हो जाएगा, स्विम का हो जाएगा स्विमिंग, तो हमने एम जो था उसको क्या कर दिया? डबल कर दिया, राइट? सेम थिंग यहाँ पर है,
डबल द लास्ट लेटर एंड एड आईएनजी टू दिस वर्ड्स. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको उसके जो लास्ट लेटर्स है उसको आपको डबल करना है और फिर उसके पीछे आपको आईएनजी लगाना है, जैसे कि सी एच ए टी चैट. लेकिन अब एक बार ही टी है तो हमने दूसरी बार फिर से यहाँ पे टी लगाया और उसके पीछे आईएनजी, तो क्या हो गया, चैटिंग, राइट, डी आई जी डी. लेकिन डायरेक्ट आईएनजी नहीं लगेगा, डी आई डबल जी आईएनजी डिगिंग, जे ओ जी जॉग, जे ओ डबल जी आईएनजी जॉगिंग, डब्ल्यू आई एन विन, डब्ल्यू आई डबल एन आई एन जी विनिंग, एस आई टी सिट, एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग, एच ओ पी होप, एच ओ डबल पी आई एन जी होपिंग, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. एड आई एन जी टू दिस वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं जो हमें इस ब्लैंक्स में फिल करने. द पपी इज ब्लैंक, ये जो पपी है वो क्या कर रहा है, रन, तो रन का क्या हो जाएगा, रनिंग. द डक्स आर ब्लैंक, डक्स क्या कर रहे हैं, स्विम, तो स्विम का स्विमिंग. द रैबिट इज, रैबिट क्या कर रहा है, होप, रैबिट इज होपिंग. द बियर इज ब्लैंक, बियर क्या कर रहा है, स्लीप, तो बियर इज स्लीपिंग, राइट. यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज है. वी एड, ये अलग टॉपिक है, जैसे हमने आई एन जी कब यूज़ किया था, सेम थिंग अभी हम ई डी कब यूज़ करने वाले. वी एड ई डी टू द डूइंग वर्ड्स व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपन्ड, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, जैसे कि आपने अपना खाना खा लिया है, तो उसके पीछे जब आप खा रहे होते हो तब जैसे ईटिंग लगाते हो आई एन जी, तब आप खा रहे हो, लेकिन अब आप ही आपने अपना खाना कंप्लीट कर दिया, तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करेंगे, उस टाइम पर हम ई डी लगाएंगे, जैसे कि प्लांट, तो प्लांटेड, टेस्ट, टेस्टेड, राइट. अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल है. प्लांट मतलब टुडे, आज, तो टुडे. यस्टरडे मतलब जो चला गया है, तो उसके पीछे हम लगाएंगे ई डी, राइट. टेस्ट, टी ए एस टी ई, टेस्ट, लेकिन उसका जो यस्टरडे मतलब वो हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, टी ए एस टी ई डी, टेस्टेड, राइट. सम डूइंग वर्ड्स चेंज इन अदर वेज व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जैसे कि स्विम, मतलब आज हमने स्विम बोला है, लेकिन आपने कल स्विम किया था, राइट, आपने कल स्विमिंग किया था, तो उसका क्या होगा, स्वैम हो जाएगा, राइट. यहाँ पर उसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी है और आपको ऊपर क्लू बॉक्स भी दिया हुआ है. राइट द यस्टरडे वर्ड्स चूज फ्रॉम द बॉक्स, मतलब कल जो यस्टरडे चीज़ बन चुकी है वो हमें इस बॉक्स में से देखकर यहाँ पर लिखने है. राइट का हो जाएगा व्रॉट, इट का हो जाएगा एट, थिंक थॉट, गिव गेव, कॉल कॉल्ड, राइट, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है. जम्प जम्प्ड, ब्लो ब्लोव्ड, ब्लू हो जाएगा, ब्लो को हो जाएगा, ब्लो का जो ब्लू हो जाएगा. फिर यहाँ पर है राइड, तो उसका हो जाएगा रॉड, फिक्स, तो फिक्स्ड. यहाँ पर आपको बॉक्सेस दिया हुआ है, इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे ध्यान देना चाहिए, तो ही हमें क्लियर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये जो था, ये था ई डी वाला सेक्शन, और उसके ऊपर जो था वो हमारा आई एन जी वाला था. जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं तब हम आई एन जी यूज़ करेंगे, और जो चीज़ पहले से हो चुकी है तब हम ई डी यूज़ करेंगे. थैंक यू.